मामला कुछ कहने और कुछ ना कहने देने का। कुछ लोग हैं जो कि तमाम तरह के साधनों की वजह से कुछ भी कहते हैं और कोई भी बड़ी घटना हो जाती है, मतलब भी सोचिए उत्तराखंड में एक दलित ने कोई मतलब स्पर्श मात्र से उसकी डी हेडिंग हो गई, गला काट दिया गया। अभी सिमोन साहब बताएंगे पंजाब में किस तरह का मामला होता है, किस तरह की दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस तरह की हत्या हुई मोहम्मद अबला की। मतलब क्या हम ये सब समाज में धैर्य और क्या मतलब इस पे हमें काम नहीं जाना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें गलती तूफान एक नहीं करना चाहिए और हम किस तरह की सॉवरेनिटी, किस तरह की संप्रभुता, किस तरह की समता की बात करते हैं, ये सब कुछ बेमानी है। तब मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव, क्योंकि और तो सब जगह क्या हो रहा है, और तो मतलब जय जयकार है, हथियारों की खरीद हो रही है और उसको छिपाने के लिए आप जो है एक राष्ट्रवाद का खेल कर रहे हो, जहां लोग पढ़ाई लिखाई राजनीति की बात कर रहे हैं उनको आप देशद्रोही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह के नौजवान लोगों के बीच में जाने की जरूरत है और जाने की जरूरत नहीं है, नौजवान लोगों के हाथ में कमान है और हमें उन्हें पूरा सपोर्ट करने की जरूरत है और इसको और ज्यादा वायरल करने की जरूरत है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हो सकता है हमें ये जगह की कमी, इन जगहों पर भी प्रेशर से तब हमारे घरों की छतें, हमारे ड्राइंग रूम, हमारे आंगन, हमारे रसोई घर, हो सकता है हमारे टॉयलेट भी, जहां हम 5-5 लोगों को 10-10 लोगों को चीजें दिखाएं। और दोस्तों ये एक बहुत बिना थके हुए करने वाला टास्क है, जो थिएटर एकेडमी की जो संस्था थी जिसने हसीना को लोकार का भारतीय रंगमंच में पूरी परिमिति पैराडिगम एक बदलने वाला नाटक था जो लोक भाषा में नाटक किया गया। और आपको 1950 या 1947 फ्रीडम के बाद जब चार नाटककार आए भारतवर्ष में, मोहन राकेश थे, बादल सरकार थे, गिरीश कर्नाड थे और विजय तेंदुलकर साहब थे, उन्होंने पूरा नक्शा बदल दिया। जो हमारा भारतीय नाटक परंपरा है वो देखने की इन चार नाटककारों ने कोशिश की और मुझे लगता है कि ये चार नाटककार बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए रहे। मराठी में इस तरह के नाटककार मैं किनके नाम लूं, क्योंकि कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो नाटक आज भी लिखते हैं और चार पीढ़ियां ऐसी हैं कि जो आज भी नाटक लिखते हैं। तो बीए में मैंने देखा, मैं घरों की दस्ती में जा रहा था तो वहाँ देखा कि बहुत बारिश का मौसम है गर्मी का, तो बहुत सा मतलब गंदगी पड़ी हुई है पानी की वजह से, वो बहुत सी मक्खियाँ और के सांस नहीं आ रहा उधर से गुजरे। मैंने सोचा यार ये लोग पूरे शहर की गंदगी साफ करते हैं लेकिन कैसे घरों में रहते हैं। तो मैंने अपने वो एक टीम बन गई थी, तब तक मैंने उन लोगों को बोला अपने टीम के साथ जो मेरे बड़े लोग थे वो ज़्यादा जाट थे तो, लेकिन मेरे साथ व्यवहार उनका कोई बुरा नहीं था, सब ठीक था। वो मैंने उनको बोला कि यार ऐसा करते हैं हम नाटक करते हैं मंडियों के, तो नाटक इनके घरों में करेंगे वहीं पे। वो कहते नहीं यार हमारा तो बाथरूम मारेगा, हम मंडियों को यहाँ जा नहीं सकते। तब मुझे लगा कि कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं है। आज मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी से कि मुझे आप जरूर कर, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य जस्टिस को डेल्टा के न्याय की लड़ाई।